मैंने डेकैथलॉन से ये सब ले लिया है, इनर्स वगैरह सब ले लिया है। मैं भाई और यहाँ पे पापा है, तो हम सब एक साथ जा रहे हैं ऊपर, बहुत चढ़ना पड़ रहा है। डल लेक में शिकारा राइड के पहले हम लोग लंच कर रहे हैं, तो हम लोग ने पहले लिए चना मसाला और रोटी, क्योंकि आज मंडे तो हम लोग वेज खाते हैं, तो वेज हम लोग खाएंगे अभी। तो ये खाने के बाद हम लोग जाएंगे शिकारा राइड के लिए, जो सामने ही है। तो आप भी आ गए शिकारा राइड के लिए, तो उधर थोड़ा पूछ रहे कि क्या रेट से कैसा लेके जाते हैं, वो भी देखिएगा। उसके बाद आपको पूरा मीना बाजार दूसरा टाइप होता है एबिल्टा वाला, उसमें आपको 4 पॉइंट पर अवार्ड मिलेगा। उसमें आएगा पहला नेहरू पार्क, गोल्डन लेक, मिशन कश्मीर पॉइंट और ऊपर से तो आपके ऊपर है। अभी 2 राउंड का है, कौन सा राउंड आपको करेगा? पहले राउंड का कितना बोला था आपने? 1.5 घंटा वाला। 1.5 घंटा वाला, उसका कितना होता है? 1 घंटा वाला। 1.5 घंटे में 6 पॉइंट है, 1 घंटे में 4 पॉइंट। तो प्राइस कैसे है? आप बोलो कौन सा राउंड करेगा, 6 वाला? दोनों का बोलो ना पहले, फिर उसके हिसाब से बोलते ना। तो होता है 4.5 सबका मिला के, सबका सबका। और दूसरा होता है 3500। 3500 मैडम जी, सची है, नंबर वाइज होता है शिकारा, आपको बढ़िया मिलेगा। ये व्हाइट शिकारा देगा आपके लिए, वो 1 घंटा वाला 2.5 में कर दो ना। अगर भैया प्राइवेट है तो हम बोलेगा चलो हम देखो, आप हमारा प्राइवेट का नहीं है आपको। तो हम लोग अभी ये वाले शिकारा में जा रहे हैं, तो हम कितना 5 जन है, तो 5 जन का ऑलमोस्ट 3500 लिया, जो कि 6 पॉइंट सीखेंगे 1.5 आवर्स के लिए। तो अभी पहले मम्मी गई, नेक्स्ट पापा जाएंगे, तो नेक्स्ट मैं जाऊंगा, क्योंकि पहले बड़े लोग बिठाएंगे अंदर, फिर ये छोटे बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट में जा, हाँ जा जा, तू जा। छह पॉइंट बराबर हो जाएगा, 6 पॉइंट बराबर गिन के ले लो, ठीक है? बताएगा ना उसको ड्राइवर भाई का बताएगा। एक मिनट सर का माला पसंद, हाँ शूज काट। तो 3500 में पूरा हम लोग शिकारा राइड करेंगे, जो कि 6 पॉइंट्स होगा 1.5 आवर्स के लिए। तो ये अभी शुरू हो चुका है। ये डल लेक का पोस्ट ऑफिस है, जो कि उसका भी एक हाउस बोट ही बनाया है, और इधर बहुत सारे हाउस बोट्स हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑफिस है, इनके पास जेट्स की वगैरह सब है। दिस इज द मेन डल लेक, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज का शूटिंग भी होता है और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। वाटर स्पोर्ट्स अभी फिलहाल चालू नहीं है, उधर आगे की तरफ दिख रहा है ये साइड में। ऊपर जो है वो ताज होटल है इधर। अब ये कल तक, ये कल शाम तक ये दिखा रहा है बारिश, तो परसों से यहाँ पर ये रहेगा दूसरा। ऊपर नहीं है पानी, एक्चुअली बहुत ठंडा है पानी, ठंडा है ना। महाराजा हरी सिंह वहाँ पर कबूतर को दाने डाल रहा था, और अब इसको कबूतर खाने के नाम से जाना जाता था, इसको बोलते कबूतर। मैं अभी इसके पीछे वाले एक आइलैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब मैगी पॉइंट से, तो हम बस चाय या फिर कॉफी लेंगे यहाँ से, फिर आगे चले जाएंगे। मिशन कश्मीर का गाना भी यहाँ पे एक शूट किया गया है। ये जो प्रॉपर्टी पीछे वाला CRPF ने ले लिया। ओनियन पकौड़े आ चुके हैं।
इधर से वो कमल के फिर भी निकालते हुए मखाना भी इधर से मखाना। आप देखो ये आगे जो फोर्डिंग गार्डन लगा हुआ है ना, इधर भी उधर भी, ये समझो अपना प्राइवेट इन्होंने बांध दिया अपना बॉर्डर जैसा। कोई खींच के भी नहीं लेके जाएगा और अपना देखो जब बोट चुकता है तो बोट अंदर नहीं जाएगा। बहुत सारे चाहते हैं हम लोटस को यहाँ पर नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसको हम मिल्कियत बोलते हैं कश्मीर में, मिल्कियत मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जब अभी जब नवंबर दिसंबर आता ना फिर ये कमल खिली निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 लाख के बीच ले, क्योंकि ये 2-4 बोट है और ये बैंकट हॉल का काम भी देता है। और ये जो आप देख रहे थे वो 50 साल के बाद बाढ़ आ गई थी, नहीं यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, तो इनके 2 मंजिल पानी के अंदर है और यहाँ पर जो इसका जो डल्ले का पानी है ना ये बेहतर रहता है। दिस इज द बाजार ऑफ दल लेक, पूरा मार्केट फैला हुआ है इधर से। अगर शॉपिंग वगैरह कुछ करना रहेगा तो इधर से बोट से ही जाना पड़ता है, फिर शॉपिंग करके फिर जा सकते हैं। कपड़ों का शॉप है इधर और उधर ग्रॉसरीज का शॉप है सामने, देखो कितने सारे शॉप्स है इधर। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमारा जो शिकार है वो यहाँ पे, तो उन्होंने हमको उतारा, तो हम ये इधर ये फैक्ट्री में जा रहे हैं जो कि फैक्ट्री आउटलेट एंड शोरूम है कपड़ों का। तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, तो वहाँ अंदर जाके देखेंगे तो क्या क्या मिल रहा है सब, ऐसा कुछ बड़ा मिलेगा आप लोगों को। तो ये सब शॉल के टाइप्स है जो दादी और नानी के लिए ले रहे हैं हम। आपको भेजना होगा ना वहाँ पर, देना होगा आप इसको वापस कर दीजिए, खुद आओगे या भेजोगे यहाँ पे आपको हम इसका पैसा बराबर देंगे, नया लेना होगा एक्सचेंज में नया भी मिलेगा, वो गारंटी पे भी कर दीजिए व्हाइट। अच्छा तो यहाँ पे बहुत सारा ओरिजिनल कारपेट्स है, कश्मीरी ओरिजिनल कारपेट्स, तो हमने ये वाला खरीदे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगे जो कि 600 स्टार्टिंग पर स्क्वायर फुट है ना, 200 रुपीज पर स्क्वायर फुट स्टार्टिंग प्राइस है। तो जितना बड़ा साइज चाहिए उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। इसका बेस भी सिल्क रहता है, अच्छा ये सबसे महंगा कारपेट आता है, इससे भी महंगा आता है लेकिन वो हम रखते नहीं क्योंकि उसके लिए कस्टमर चाहिए, वो वाले कस्टमर यहाँ नहीं आते, पूरा यूरोप। सबसे लास्ट वाला महंगा वाला कारपेट कितने का है यहाँ पे हमारे पास? जगह अराउंड लाइक 4.5 लाख, 4.5 लाख पर स्क्वायर फुट नहीं, फिर वो जाएगा अराउंड 4,000-8,000, अच्छा 18,000 तक जाएगा पर स्क्वायर फुट। तो बहुत सारा वैरायटीज इनके पास, कभी भी आप विजिट करोगे श्रीनगर तो दल्लक में बी नोवेल्टी क्राफ्ट में आ जाना। तो हम लोग ने ये वाला बाय किया जो कि बहुत अच्छा है, अपने सिल्क वूल का। हाँ एक्चुअली सिल्क वूल का है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। ऑल नेचुरल सो दे विल बी डिलीवरिंग टू आवर हाउस, हम लोग ने हाफ पेमेंट किया तो बाद में जब डिलीवर होगा तब उसका रिमेनिंग पेमेंट हो जाएगा। अच्छा ये 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट है, ये मेरे को दिखाई दे आपने, सॉरी 18,000 रुपीज पर स्क्वायर। ओके अब इसका पुराना है हमारे पास, ये पड़ा है ये जाएगा 36,000 पर स्क्वायर, ये पुराना है ये यूज़ yeah. मैंने बोला जितना पुराना होता है उसका वैल्यू बढ़ता है। हाँ जैसे ये बोल रहे थे कि एक्चुअली ये जो कारपेट से इसका रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, तो खरीदने के लिए कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है ऐसा एज सच। तो वहाँ पे मम्मी ने दादी और नानी के लिए शॉल खरीदा यहाँ से, और बच्चों के लिए स्वेटर्स भी ले रहे हैं हम लोग, मतलब जो मेरे बहन भाई है सब उनके लिए। मम्मी का ये कश्मीरी साड़ी। तो अच्छा खासा शॉपिंग कर लिया हम लोग ने, अभी शिकारा के लिए वेट कर रहे हैं, शिकारा इधर ही खड़ा है पार्किंग में, तो इधर आएगा फिर हम लोग चले जाएंगे। बारिश एक्चुअली बहुत तेज़ हो रही थी तो हम लोग ने थोड़ा रुक लिया और थोड़ा उसमें भी शॉपिंग कर लिया और टाइम लगा दिया, तो ताकि बारिश थोड़ा कम हो जाए, तो बारिश अभी थोड़ा कम हो गया तो शिकारा अभी हमारा इधर से आ जाएगा। वापस से आ गए अभी, हाँ सब ले लिया। तो यहाँ पे शॉपिंग कर ली, अब वापस निकल रहे हम लोग किनारे पे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट शाम हो गई है। तो हम लोग ने अभी यहाँ से डिनर ले लिया है, ये होटल था एक पीछे, फटक से गाड़ी में चलते अभी।
हम लोग आ गए वापस घर अपने जो कि हमारा स्टे था। तो आते साथ ही हम लोग ने डिनर भी लेके आए पार्सल, और अभी वो डिनर करेंगे। सबसे पहले तो मैं नहाऊंगा क्योंकि मैं सुबह नहा के नहीं गया था क्योंकि लाइट नहीं था। अभी जाके मैंने गीजर चालू किया तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद मैं नहाऊंगा, फिर उसके बाद डिनर करूंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा क्योंकि कल का जो प्लान है हमारा वो सोनमर्ग का रहेगा। तो सोनमर्ग जाने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा, इधर से जाने के लिए ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर से, तो उधर जाने के लिए टाइम लगेगा। तो आते साथ हमें बहुत बारिश भी मिली और बहुत ट्रैफिक भी मिला, बहुत ट्रैफिक था, इसके लिए हम लोग को आने जाने में टाइम लगा। इसलिए फिर दो ही स्पॉट्स हमारे जो थे श्रीनगर लोकल सेक्शन के, वही दो ही कवर हुए हमारे। तो बाकी का जो हम लोग कवर करने वाले, जिस दिन हम लोग डिपार्चर डेट रहेगा श्रीनगर से, तो उस दिन हम लोग कवर करने वाले, क्योंकि हमारा फ्लाइट जो है वो एकदम शाम का है। तो हम लोग सुबह जल्दी निकल के सब कवर करेंगे लोकल साइट सीन जो श्रीनगर का बचा हुआ है। अभी बजे रात के 9, तो मैं फटाक से पहले फ्रेशन अप होता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, फिर सो के सुबह जल्दी उठना है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हिट द लाइक बटन, और कमेंट्स में बताना और कैसे मैं वीडियोस अच्छे से बना सकता हूँ, और क्योंकि मैं नया नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से। तो टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, जो कि आपको लिए एपिसोड 2 हो गया, एपिसोड 3 होता है इनका। ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गया है, तो हमारा सब जगह पे सब बातों में हमारा मोए मोए हो रहा है, और इधर इसको अलग से रील का गाना सोच रहा है। नील बोल कौन थे?